हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब लोग। तो आ गए हम एक नई वीडियो के साथ, जो कि हम आपको यहाँ पर बताते हैं अलग अलग क्रोम एक्सटेंशन जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत इन्हांस कर देंगे। आप अगर क्रोम यूज़ करते होगे तो उसको भी आप जो है इन्हांस कर सकते हो, क्रोम को एक बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो, ताकि आप जो है कुछ भी सर्च कर रहे हो उसका डाटा जो है कंपाइल कर सकते हो इस एक्सटेंशन की मदद से। सो मैं उसी एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा। सो वीडियो को हम अभी जो है स्टार्ट करते हैं। तो इस क्रोम एक्सटेंशन का नाम है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, इस क्रोम एक्सटेंशन का नाम है ब्लैक बॉक्स सेलेक्ट कॉपी पेस्ट एंड सर्च। ये जो क्रोम एक्सटेंशन है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा। कैसे मदद करेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंपल सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पर आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि आपको बताऊँगा आपका दोस्त जो कि इस एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करना है एकदम सिंपल तरीके से। इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर ओवरव्यू आप देख सकते हो। इसकी मदद से जो है आप जो है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी जो है बहुत इन्हांस कर सकते हो। तो कैसे यूज़ करना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लैक बॉक्स इसको कॉपी कर लेते हैं और सिंपल से गूगल पे चले जाते हैं और इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने ये जो है पहली साइट आ जाएगी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये देखो, ब्लैक बॉक्स सेलेक्ट कॉपी पेस्ट एंड सर्च इसका नाम है। इसी को जो है आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा एक्सटेंशन दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, पर आपने अगर ऐड नहीं किया होगा तो आपके इसमें ऐड टू क्रोम एक्सटेंशन दिखाई देगा। तो ऐड टू क्रोम एक्सटेंशन कैसे करना है आपको पता ही है, इसको सिंपल से ऐड टू क्रोम कर देना है और यहाँ पे ऐड टू क्रोम करने के बाद यहाँ पे आपका जो एक्सटेंशन दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको पिन करने का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको पिन कर लेना है। पिन कर लेने के बाद आप का एक्सटेंशन जो है यहाँ पर दिखाई देगा। तो अभी मैं बताता हूँ कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में चलने के बाद इस एक्सटेंशन के बारे में आपको दिखाई देगा। इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जो कि आपको पेड करके लेना पड़ेगा, बट आप जो है फ्री में भी बहुत कुछ इसका यूज़ कर सकते हो, जो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कुछ ऑफर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है इनका प्लान जो है $75 का है पर वीक का, और जो है दूसरा इलाइट भी प्लान है जो कि $1.25 का जो है पर वीक का। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, आप यहाँ पर देख सकते हो। 1000 टेक्स्ट कॉपीड पर मंथ, 1000 कोड सर्च पर मंथ, 1000 कोड ऑटो कम्प्लीट पर मंथ, ये सारे बहुत सारी फीचर जो है दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ऐड टू क्रोम कर लूँ, उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो तो किसी भी पिक्चर में से डायरेक्टली सर्च उसको कॉपी करके सीधा डायरेक्टली आपको वर्ड में कॉपी करना हो तो उससे आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, एक कोई भी साइट ओपन कर लेता हूँ, कोट्स। ओके, कोड्स हमने सर्च किया तो अभी ये इतने सारे कोड्स आ गए। तो यहाँ पे हम इमेजेस पे चलते हैं। इमेजेस पे चलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कोड्स दिए हुए हैं, जो कि आपको जो भी पसंद आता है आप जो है उसे कॉपी कर सकते हो। इसको मैं पहला जो है ओपन करता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल सा इसको आप कॉपी नहीं कर सकते हो। आपको एक तो टेक्स्ट को राइट करना पड़ेगा या फिर जो है इस इमेज को भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी यहाँ पर इस इमेज में से ही इसको कॉपी करके दिखाता हूँ। सो सिंपल से यहाँ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, आपके क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा सिंबल दिखाई देगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे तुम्हारे एक पॉपअप स्क्रीन आ जाएगी कि आपका जो है टेक्स्ट कॉपी हो गया है। तो ये देखो, यहाँ पे टेक्स्ट कॉपीड बोल के आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा टेक्स्ट अभी कॉपी हो गया है। तो अभी मैं नोटपैड में आता हूँ। नोटपैड में आने के बाद यहाँ पे एक एंटर करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे जो है यही इमेज में का टेक्स्ट यहाँ पे सिंपल वे से जो है कॉपी हो चुका है। अभी देखो, ये तो सिंपल सी बात है कि आप बोल दोगे कि मैं तो ये टाइप करके भी जो है इसको मैं लिख सकता हूँ, पर अभी क्लास में नोट्स बनाने हो, बहुत कुछ करना हो, या फिर यूट्यूब के लेक्चर्स डाउनलोड करने हो, तो आप कैसे करोगे, उसको भी आपको लिखना ही पड़ेगा, या फिर आप लिख नहीं सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे चलते हैं। यूट्यूब पे चलने के बाद यहाँ पे कोई कौन सा भी एक सिंपल सा वीडियो ले लेता हूँ। चलो, यहाँ पे एक YouTube का वीडियो दिखाई दे रहा है, इसको मैं Through my online store alone, we've sold over $500,000 worth of spices. इसको मैं थोड़ा सा साइलेंट कर देता हूँ और एड को हम स्किप कर देते हैं। स्किप कर देने के बाद
यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्टेट फॉरवर्ड कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी करने का मैं आपको बताता हूँ ताकि जो है आपको इजी हो जाए। इसमें तो टेक्स्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं आगे। जिस इमेज में आपको ज़्यादा टेक्स्ट हो और वो आपको कॉपी करना हो तो आप सिंपल वे से कॉपी कर सकते हो। इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं, इसको फॉरवर्ड करके देखते हैं इसमें कुछ है क्या। ओके, यहाँ पे ये थोड़ा सा टेक्स्ट, इसको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। इसको आप यही वीडियो नहीं लेना है आपको, आपको जो भी आपके क्लास के नोट्स हो वो सब आपको कॉपी करने हो तो कर सकते हो। तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन पे आना है, इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये देखो अभी टेक्स्ट कॉपीड बोल के पॉपअप आ चुका है। इसके बाद आपको नोट पैड में जाना है और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है। तो देखो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये यहाँ पर आ चुका है। तो इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, कुछ भी टेक्स्ट या फिर कोड, पाइथन के कोड जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो यही है जो एक्सटेंशन जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और आपको बहुत जो है हेल्प करेगा। तो आप को इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश और उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।